हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ, तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था आपको, हरियाणा का वही तो, और नहीं मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर? बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफी अच्छा रहा, और एक महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाए पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकालें कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए, और उसका रीजन मैं मानता हूं कि ये है कि मन में डर नहीं था, निडर होके खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल रहे, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, एक महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, आपने देखा होगा कि दो तीन बातें बहुत अच्छी निकली, क्योंकि आप जो अनुभवी लोग हैं उनसे जो जानने को मिलता है उसकी एक अहमियत होती है। जैसे आपको बताया गया कि वहां के तामझाम में डूब मत जाना, खो मत जाना, ये बहुत सही है जी। अदरवाइज हमारे लिए वो उसी का प्रभाव इतना होता है कि हम शायद अपनी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा, परमात्मा ने हमें कद दिया है, बाकी खिलाड़ी हमसे बड़े कद वाले होते हैं, लेकिन हम पक्का मान के चले यहां कद का खेल नहीं है जी, यहां कौशल्य का खेल है, आपकी टैलेंट का खेल है। सामने वाले का शरीर हमसे 2 फीट ऊंचा है, चौड़ा है, इसकी परवाह मत कीजिए। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए, और फिर सामने कितना ही शरीर मोटा हो, बड़ा तगड़ा हो, दिखने में बड़ा शानदार हो, तो वो जीत ही जाएगा मानने का कारण नहीं होता है। तो हमने कोशिश